थैंक यू डॉक्टर मोनिका. तो डॉक्टर प्राची इज शेयरिंग माय प्रेजेंटेशन एंड दिस प्रेजेंटेशन इज अबाउट स्टोरी बोर्डिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग एंड हाउ टू डू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन व्हेन वी आर क्रिएटिंग एनी पीस ऑफ कंटेंट. So, this is about what are the steps in creating digital resources. इसको full screen कर लो प्राची, full screen कर लो. पहले presentation जो ये session का major होगा, पहले बहुत कम slide है जिसपे I will be telling you some theoretical aspects of theoretical or you can also call them practical aspects of digital content development. And then I will be showcasing some programs and the script of those programs so that you can understand, you people can understand how a sync between script and output of the script is very, very important. If you have a well-crafted script and storyboard, then only you can expect to have the end product the way you visualized. तो उसके बाद मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स दिखाऊंगी अलग अलग टाइप के. जैसे सुबह आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे थे, पर यहाँ हम एक एनिमेशन देखेंगे, एक ऑडियो देखेंगे, एक वीडियो लेक्चर की स्क्रिप्ट देखेंगे और इनमें से कुछ का हम आउटपुट भी देखेंगे कि अगर एक एनिमेशन की स्क्रिप्ट ऐसी है तो वो एनिमेशन कैसा है, या एनिमेशन ये है बाद में भी हम उसकी स्क्रिप्ट देख सकते हैं. तो वी विल एक्चुअली सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड द प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए प्राची. यहाँ हम देखेंगे कि अगर जब भी हमें कोई डिजिटल कॉन्टेंट बनाना है तो कुछ पेडागोजिकल कंसिडरेशन है जो हमें ध्यान में रखने हैं. जैसे बच्चों का लर्निंग थ्योरीज, और हम कह सकते हैं कि लर्निंग स्टाइल्स बच्चों के क्या क्या होते हैं. कुछ बच्चे ऑडिटरी लर्नर होते हैं जो सुन के अच्छा सीखते हैं. स्टिल देर आर सम हु आर विजुअल लर्नर्स जो देख के अच्छा सीखते हैं. कुछ लर्नर ऐसे होते हैं जो करके ज्यादा अच्छा सीखते हैं. व्हेन दे डू समथिंग देन दे लर्न बेटर. एंड देर आर सम हु लर्न बाय combination of all the applying all the senses, तब उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है. अगर हम universal design of learning की भी बात करें तो उसके हिसाब से भी हमारे content या जो भी lesson हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके साथ share कर रहे हैं, उसमें stimulus variation होना चाहिए, different stimulus का variation होना चाहिए, ताकि हर प्रकार का जो बच्चा है जिसको किसी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी भी है या जिनके अलग अलग लर्निंग स्टाइल हैं, वो उस कंटेंट से बेस्ट लर्न कर सके. इसके अलावा जो भी कंटेंट है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग आउटकम से अलग होना चाहिए. तीसरी चीज है जो पहली बात से रिलेट करती है कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करना चाहिए, क्योंकि एक क्लास में अलग अलग प्रकार के लर्नर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से अच्छा सीखते हैं. इसके अलावा एक और चीज है कि हमें कंटेंट एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है कि किस टाइप का जो नेचर ऑफ कंटेंट है वो क्या है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमें कोई एक लर्निंग रिसोर्स बनाना है. कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या कॉन्टेंट जो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के लिए सूटेबल नहीं है, वर्चुअल जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो उस पर हमें ऐसा कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है. अगर फैक्चुअल कंटेंट है तो हमारा जो हम पढ़ा रहे हैं किताब में वो फैक्चुअल है, तो हमारा नेचर ऑफ कंटेंट भी ऐसा होना चाहिए जो फैक्चुअल के लिए सूटेबल हो. मान लीजिए राज्य और राजधानियां, भारत के विभिन्न राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की राज्य और राजधानियों के बारे में हमें बताना है, तो एक मैप की इमेज और उस पर राज्यों के नाम, पॉलिटिकल मैप, राज्यों के नाम और राजधानियों के नाम, ये एक बेस्ट कंटेंट है. इसके लिए हमें कोई और बहुत ज्यादा एफर्ट इसमें करने की जरूरत नहीं है कि हम उस मैप को
और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाए या कुछ और चीज उसमें करें, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू टीच द सिंपल फैक्ट्स. लेकिन अगर हम द नेचर ऑफ कॉन्टेंट प्रोसीजरल है, जहां हमें कुछ प्रोसेसेस दिखाने हैं, तो वहां कंटेंट सिमुलेशन या एआर वीआर कंटेंट हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां 3D विजुअलाइजेशन की जरूरत है. वहां हमें प्रोसेसेस दिखाने, जैसे मैंने सुबह के सेशन में आपको एग्जांपल दिया था रेस्पिरेटरी सिस्टम और दी डाइजेस्टिव सिस्टम. हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ इज स्फेरिकल. तो हमें नेकेड आई से, अपनी आई से अर्थ स्फेरिकल नहीं दिखती है बल्कि फ्लैट दिखती है. तो यहाँ हमें जब इस कॉन्सेप्ट को, ये नेचर ऑफ कंटेंट यहाँ कॉन्सेप्चुअल है, ये एक फैक्ट भी है कि अर्थ इज स्फेरिकल और ये एक कॉन्सेप्ट भी है. तो जब हमें ये चीज बच्चे को समझानी है, तो वी नीड टू शो अ कंटेंट बाय विच अ चाइल्ड इज कन्विंस्ड दैट यस अर्थ इज स्फेरिकल. तो ये हमें ध्यान में रखना है. और प्रोसीजरल नेचर ऑफ कंटेंट है, तो जहां प्रोसेसेस डिपिक्ट हो ऐसा कंटेंट हमें बनाना है. जहां कुछ मेटाकॉग्निटिव कंटेंट है, जिसको हमें अपने सेंसेस से या एट द लेवल ऑफ आर हार्ट एंड इमोशन वी नीड टू अंडरस्टैंड, तो वो कंटेंट का नेचर फिर उसी तरीके का होना चाहिए. नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो जो डेवलपमेंट प्रोसेस है किसी भी डिजिटल कंटेंट का, तो वहां हम देखेंगे ये स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं. स्टेप्स इन स्क्रिप्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, क्या क्या स्टेप्स हैं हमें पता होना चाहिए. हु आर आर ऑडियंस, नो योर ऑडियंस. देन सिलेक्ट द थीम टॉपिक. Development of briefs, the content briefs, ki a piece of content, what coverage will be done under that. Then research on the subject, sequencing the content, then select the presentation format. So, sabse pehle audience, agar hum ye FLN content bana rahe hain primary learner ke liye, to usi hisab se hume baki ke steps dhyan mein rakhne padenge. Uske baad select the theme topic. FLN ke liye hume theme topic ki zarurat hai nahi, kyunki well crafted learning outcomes are there. We have to see the learning outcomes and then start developing the content based on the learning outcomes. Development of brief. Brief mein hame jo digital content hum banana chah rahe hain uske andar kya kya content coverage hoga, kyunki kisi bhi ek concept ko leke bahut sare aise concept hain jo primary se leke senior secondary tak run karte hain, लेकिन हर लेवल पे उनका डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होता है. तो ब्रीफ बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम वो दायरा निश्चित कर सकें कि क्या दायरा होगा. अगर हम प्राइमरी के लिए वो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं और अगर उससे हायर जा रहे हैं, तो उसका दायरा उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा. तो कॉन्टेंट कवरेज हमें इसमें लिखनी होती है. उसके बाद फिर हमें कंटेंट कवरेज को ध्यान में रखते हुए रिसर्च करना होता है उस टॉपिक पे. उसके बाद हमें सीक्वेंसिंग करनी होती है कंटेंट की कॉन्सेप्ट्स और सब कॉन्सेप्ट्स में, कि कैसे कैसे सीक्वेंस्ड होगा कोई भी पीस ऑफ डिजिटल कंटेंट. और फिर हमें देखना है कि हमारा प्रेजेंटेशन फॉर्मेट क्या होगा. क्या ये एक H5P कॉन्टेंट होगा, इंटरैक्टिव होगा, क्या ये ऑडियो होगा या ये वीडियो होगा या ये एनिमेशन होगा, इन्फोग्राफिक होगा, फ्लो डायग्राम होगा, चार्ट होगा. एंड इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंटेंट. इसके बाद डिवाइसेस ऑफ होल्डिंग चिल्ड्रंस अटेंशन. बच्चों की अटेंशन को होल्ड करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें प्रोग्राम में ध्यान रखना चाहिए. जैसे गाने हैं, बच्चों को गाने बहुत पसंद आते हैं, पहेलियां हैं, म्यूजिक है, संगीत है, साउंड इफेक्ट्स हैं, फन ह्यूमर है, और पॉज एंड रेस्ट है. थोड़ा थोड़ा हम अगर बीच में कोई कहानी भी सुना रहे हैं, प्रॉपर पॉजेज के साथ अगर वो कहानी है, तो उससे इंटरेस्ट सस्टेन रहता है, क्यूरियोसिटी सस्टेन रहती है. देन इंटरएक्टिविटी, तो उसमें ये एक पैसिव नरेशन नहीं होके इट शुड बी इंटरएक्टिव एंड एंगेजिंग. लैंग्वेज इंटरएक्टिव होना चाहिए.
और बच्चों को इन्वॉल्व करे, ऐसा होना चाहिए हम उसमें, चाहे वो वन वे वीडियो ही क्यों नहीं हो, लेकिन अगर वीडियो के लास्ट में हम दो क्वेश्चन रख देते हैं बच्चों को पॉन्डर करने के लिए, तो देन इट विल बिकम एंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव फॉर अ चाइल्ड एंड दे नो व्हाट फॉलो अप एक्टिविटीज दे हैव टू डू। देन एलिमेंट्स ऑफ अ गुड स्क्रिप्ट क्या क्या है, वो है एन अट्रैक्टिव स्टार्ट, तो स्टार्ट शुड बी अट्रैक्टिव, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी के साथ हमें उसमें रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स हमें पहले ही तय कर लेने चाहिए क्योंकि उन्हीं ऑब्जेक्टिव के दायरे में फिर वी नीड टू सिलेक्ट एंड प्रेजेंट द कंटेंट। देन नोन टू अननोन अप्रोच, नोन से अननोन, इमीडिएट टू रिमोट, तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें अप्लाई करने चाहिए, जो हम जानते हैं उससे अनजान की ओर जाएं, जो हमने अपनी इमीडिएट सराउंडिंग्स में देखा हुआ है उससे हम आगे की तरफ बढ़ें। फिर इंटरैक्टिव होना चाहिए, लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए, स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए वन कॉन्सेप्ट टू अनदर कॉन्सेप्ट, द ट्रांजिशन शुड नॉट बी एब्रप्ट बट इट शुड बी स्मूथ, आइडिया टू आइडिया, विजुअल टू विजुअल। देन कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमर, फन उसमें होना चाहिए, री इन्फोर्समेंट विद वेराइटी एंड लिंकेज, तो री इन्फोर्समेंट भी उसमें होना चाहिए, जैसे कि हमारा डिजिटल कॉन्टेंट ही है अट्रैक्टिव, उसमें साउंड सुबह जब हम प्ले कर रहे थे तो ठीक से नहीं आ रहा था। व्हेन अ चाइल्ड अटेम्प्ट्स अ क्वेश्चन राइटली देन इट गिव्स री इन्फोर्समेंट वेल डन और सम स्माइली और एनीथिंग विच इट विच इज सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर पीस ऑफ कॉन्टेंट। देन स्मूथ क्लोज डाउन, जो क्लोज डाउन है वो भी स्मूथ होना चाहिए, अगर ये सीरीज है तो वहां खत्म करके हमें लास्ट में ये भी होना चाहिए कि यहाँ हम अभी इस कॉन्सेप्ट पे समाप्त करते हैं और अगली जो इसका एपिसोड है इसमें हम इसको देखेंगे, और फिर जब अब अगला एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है तो हम थोड़ा पिछले के बारे में रिफ्रेश करेंगे, प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे, जिससे कि हमें अगला वाला जो एपिसोड है उसको देखने की जिज्ञासा। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ ये स्टोरी बोर्ड है कि किस तरह से हम स्टोरी बोर्ड डेवलप करेंगे, तो स्टोरी बोर्ड में जरूरी नहीं है कि बहुत फाइन ग्राफिक्स आप बनाएं, लेकिन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से शॉर्ट बाय शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगा उसमें, तो कैसे आपका वीडियो अनफोल्ड होगा, पहला शॉट क्या होगा, दूसरा शॉट क्या होगा, तीसरा शॉट क्या होगा, उसका एंगल क्या होगा कैमरा का, कहाँ हमें क्लोजअप दिखाना है, कहाँ हमें लॉन्ग शॉट दिखाना है, तो ये सारे डिस्क्रिप्शन स्टोरी बोर्ड में होते हैं। इसको आप ग्राफिकली भी बना सकते हैं लेकिन आप वर्ड में भी बना सकते हैं, आप लिख के भी इसको अपनी राय यहाँ रख सकते हैं कि आपको कहाँ लॉन्ग शॉट चाहिए, कहाँ क्लोजअप चाहिए, तो ये स्टोरी बोर्ड है जो शॉर्ट बाय शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देगा किसी भी एक प्रोग्राम के बारे में। नेक्स्ट प्लीज। क्या जरूरत है स्टोरी बोर्ड्स की? सो बेस्ट वे टू शेयर दी विजन, जो भी स्क्रिप्ट डेवलपर है उसका विजन, मेक्स प्रोडक्शन इजियर, प्रोडक्शन इजियर हो जाता है इससे, क्योंकि प्रोड्यूसर को पता है कि कहाँ क्या चीज किस तरह से डिपिक्ट करनी है, एंड इट सेव्स टाइम्स ऑल्सो, बार बार हमें पूछने की जरूरत नहीं होती कि भाई यहाँ इसको कैसे दिखाएं, इस चीज को कैसे डिपिक्ट करना है, लेकिन प्रोड्यूसर को अभी पता है कि जो प्रोड्यूसर है या जिसने प्रोग्राम कॉन्सेप्चुलाइज करा है उसको क्या कैसे चाहिए। फिर टिप्स क्या होने चाहिए, यूज दी स्केच इट मेथड, हम स्केच इट मेथड भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है बहुत फाइन स्केचेस हो, क्रूड स्केचेस भी आप यूज कर सकते हैं, गो विद दी रैपिड टेम्पलेट, अगर हम टेम्पलेट बनाए जैसे कि आपने देखा था, और एक मैं एक्चुअल आपको दिखाऊंगी भी स्टोरी बोर्ड, एंड वी कैन यूज कोलेबोरेशन टूल, जहाँ पे कि अगर आप कई लोग मिलके उस प्रोग्राम को कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं तो कोलेबोरेटिव टूल से भी आप एक स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर कैमरा शॉट आपको कहाँ कैसे चाहिए वो भी आप लिख दें तो अच्छा है, अगर आपको उस एरिया का नॉलेज है। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या क्या तरह के शॉट होते हैं, जैसे वाइड शॉट है जो ऊपर स्टेडियम का चित्र दिखाया हुआ है वो, लॉन्ग शॉट हम देखेंगे तो जहाँ दो फुटबॉल प्लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, और मिड शॉट जहाँ हमें ये तीसरा लड़की वाला शॉट है। तो कहाँ हमें किस तरीके का शॉट दिखाना चाहते हैं हम अपने प्रोग्राम में, सो दैट ऑल्सो वी कैन राइट इन द स्क्रिप्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये और कैमरा शॉट के बारे में है, मीडियम क्लोज क्लोजअप, बिग क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप, तो ये सारी चीजें जहां जहां हमें जिस तरीके से चाहिए उस तरह से हम अपने स्क्रिप्ट में वो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। फिर हमें कैमरा एंगल्स भी अगर हम लिख सकते हैं, हमें उस चीज का नॉलेज है तो ठीक है, लेकिन हम एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए, बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशनल प्रोग्राम डेवलपर, हम इतनी बारीकियों के यहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन आप कैसा क्या चीज चाहिए वो जरूर लिख सकते हैं, ना कि ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में आप इसको लिखें, बल्कि सिंपल लैंग्वेज में आप बता सकते हैं, क्योंकि आप विजुअलाइज तो कर ही लेते हैं कि आपको क्या किस तरीके से चाहिए। तो उसमें टॉप एंगल है कि हम ऊपर से टॉप से कोई चीज अगर दिखाना चाहते हैं तो टॉप एंगल से कैमरे को यूज करना है, ओवर दी शोल्डर, शोल्डर के ऊपर से अगर हमें कोई चीज ऐसे दिखानी है जहां ओवर दी शोल्डर शॉट की जरूरत है तो उस एंगल से। पीओवी है पॉइंट ऑफ व्यू, यहां पर जो व्यूअर है, व्यूअर को हम उस पर्टिकुलर सीन में कैसे इंगेज करते हैं, तो एक हमें उस तरीके से कैमरे का एंगल रखना है ताकि हमें लगे कि व्यूअर उसका पार्ट है उस पर्टिकुलर सीन का। जैसे कि हमने देखा होगा जो हॉरर फिल्म होती हैं उसमें दिखाया जाता है, तो ये हॉरर यहाँ तो नहीं अप्लाई होगा एजुकेशनल में, लेकिन कई चीजों में ऐसा है कि हमें इस तरह से डिपिक्ट करना होता है कि व्यूअर उसका पार्ट है। तो जहां हम लगता है कि हाँ व्यूअर ही देख रहा है जो उस सीन का पार्ट है, तो इस तरीके से हमें कैमरा का एंगल रखना है। और डच एंगल, इसको हम एक टिल्ट एंगल भी कहते हैं, इसमें है कि अगर हमें कोई फाइनर एक्सप्रेशंस किसी व्यक्ति के कैच करने हैं तो हमें फिर उसको ये डच एंगल का यूज करना होता है ताकि कैरेक्टर के फाइनर एंगल्स को, फाइनर एक्सप्रेशंस को हम कैप्चर कर सकें। बर्ड्स आई व्यू में जैसे बहुत बार ड्रोन से ऊपर से शॉट लिए जाते हैं तो उस तरीके के शॉट इसमें आते हैं, और कहीं कहीं उसकी जरूरत भी होती है बहुत सारी चीजों में, खास करके जब हम कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन को बारीकी से दिखाना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि जब भी कोई हम पिछली वाली स्लाइड पे जाइए, उसके बाद हम कुछ रिसोर्सेज देखेंगे वो उस पर आएंगे। लास्ट स्लाइड एक बार जो थी इससे पहले वाली, तो जब भी हम कोई एक पीस ऑफ डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं कि हमें एक डिजिटल स्टोरी क्रिएट करना है, इसीलिए मैं इसको डिजिटल स्टोरी टेलिंग प्रोसेस रख रहे हैं, इसको नाम दिया गया है। तो हमें सबसे पहला स्टेप वन इसमें क्या होगा, और यही लीड करता है हमें उस इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की तरफ भी। स्टेप वन हमें सबसे पहले क्या करना है कि वी हैव टू कम अप विद एन आइडिया एंड और वी हैव टू राइट अ प्रपोजल। तो जब हम एक आइडिया आइडेंटिफाई करेंगे, उसका जो नेचर ऑफ कंटेंट है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, फॉर्मेट आइडेंटिफाई कर लेंगे, तब हम स्टेप टू की तरफ बढ़ेंगे कि उसके ऊपर हम आगे रिसर्च करेंगे, वी विल एक्सप्लोर फर्दर एंड लर्न मोर अबाउट दी पर्टिकुलर आइडिया। फिर स्टेप थ्री आएगा, जब हमने ये सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर दी है, रिसर्च कर लिया है, देन वी विल राइट द स्क्रिप्ट। इसके बाद स्टेप फोर आता है,
हमें प्लानिंग करनी है और स्टोरी बोर्ड डेवलप करना है फाइनल डिटेल्स स्क्रिप्ट की डिपिक्ट करने के लिए, उनके बारे में लिखने के लिए। इसके बाद स्टेप फाइव आ जाता है कि जब हमने स्टोरी बोर्डिंग कर ली है, प्लानिंग कर ली है, तो उससे रिलेटेड जो जो भी हमें विजुअल्स चाहिए, ऑडियो चाहिए, वीडियो क्लिप्स चाहिए या वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, वो सारी चीजें हमें गैदर करनी होती हैं। तो स्टेप फाइव में हम सारी चीजें गैदर कर लेंगे जो भी हमने रिसर्च किया है उस पे, उससे रिलेटेड, और जिस भी तरीके के हमें विजुअल्स चाहिए उससे रिलेटेड जो भी चीजें हमें चाहिए। इसके बाद स्टेप सिक्स है पुट इट ऑल टुगेदर, फिर हमें ये सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करना है, और कंबाइन करना ही प्रोडक्शन का प्रोसेस है कि सारी चीजों को हमें कंबाइन करना है, उसकी एडिटिंग करनी, यानी कि प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है, उसके बाद एडिट करना है, और एडिटिंग करने के बाद स्टेप सेवन आता है कि हमें उसको शेयर करना है फॉर फीडबैक, और स्टेप एट है कि फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन जब हमें मिल गए हैं तो हमें उसके बाद उसको मॉडिफाई करना है एंड देन उसको फिर से फर्दर शेयर करना है इन पब्लिक डोमेन। अब हम सबसे पहले एक प्रोग्राम देखते हैं, एक एनिमेशन देखते हैं। इसको स्टॉप शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं आग की खोज। देयर इज एन स्टॉप मोशन एनिमेशन जिसके ऊपर आपका एक सेशन भी होगा। लेट अस वॉच दैट। और उसकी स्क्रिप्ट हम किस तरीके से लिखी गई है, वी विल सी दैट। ये फोल्डर के अंदर भी होगा, देखो आपकी खोज जो फोल्डर है। यस मैम, वीडियो प्ले कर रही हूँ। मैम साउंड आ रहा है क्या? नहीं, मुझे तो वीडियो भी नहीं दिख रहा। नॉट विजिबल नाउ। मैं यहां से ट्राई करूं क्या? मैम एक बार मैं ट्राई कर ले दोबारा। हाँ अब आ गया, अब दिख रहा है। साउंड नहीं आ रहा ना, ट्राई करती हूँ। साउंड नहीं आ रहा। शेयर विद ऑडियो करके देखो जो हमने सुबह ट्राई किया था। जब आप शेयर कर रहे हो तो उसमें शेयर विद ऑडियो वाला ऑप्शन के साथ शेयर करके देखो। यस मैम, मैंने वो ऑप्शन किया हुआ है शेयर ऑडियो। लेकिन ऑडियो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना। एक बार मैं यहाँ से ट्राई करूँ, लेट मी ट्राई। शेयर ऑडियो, शेयर साउंड, साउंड कर दिया। कर रहे हो? हाँ शेयर साउंड में यहाँ से कर। मैम एक बार मैं दोबारा ट्राई कर, मैंने अभी किया। अच्छा करो, प्ले करो।
एक समूह में आदि मानव लेकर बैठे थे कुछ पत्थर। कुछ चपटे कुछ थे नुकीले, कुछ जैसे हो मोटी कीले। कुछ कुदाल कुछ भाले जैसे, कुछ मीठे चाकू से धार। पत्थर से पत्थर को मार बना रहे थे वो हथियार। अब क्या हम इसकी स्क्रिप्ट देख सकते हैं प्राची? लेट अस सी द स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट में आप देखेंगे कि किस तरह से the description of every visual is given so that the program can come out in the same way it was visualized. थोड़ा slow चल रहा है। लैंड से कर रही हो? Yes, ma'am. ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि लोग पढ़ लें। प्लस प्लस कर दो प्राची, थोड़ा बड़ा कर सकते? यस मैम, यस। तो यहाँ हमने देखा कि कोई भी जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो ये तीन कॉलम या दो कॉलम। अरे मेरे में वो आवाज ही नहीं आ रही यार, मीटिंग में अटेंड किया ना मैंने। हाँ बताइए। नहीं नहीं बताइए ना, बताइए ना। ये म्यूट कर दीजिए जिसकी भी आवाज आ रही। तो यहाँ हम देखेंगे एक कॉलम में हमने दृश्य लिखे हैं, कौन कौन से दृश्य आएंगे। तो इसको हम स्टोरी स्क्रिप्ट कम स्टोरी बोर्ड भी कह सकते हैं कि इसमें स्टोरी बोर्डिंग एंड स्क्रिप्टिंग दोनों एस्पेक्ट है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में ऑडियो, क्या क्या ऑडियो में आ रहा है, यानी कि जो स्वर है स्वर क्या आएंगे। और तीसरे कॉलम में उन स्वरों के साथ विजुअल्स क्या आएंगे उनका जिक्र है। तो दृश्य जो पहला है उसमें ऑडियो आता है संगीत, और संगीत के साथ शीर्षक आता है आग की खोज। दृश्य दो अगर हम देखें तो दृश्य दो से गाने की शुरुआत होती है, एक समूह में आदि मानव लेकर बैठे थे कुछ पत्थर। इसके साथ जो हमें विजुअल चाहिए, गुफा के सामने कुछ आदि मानव पत्थर के औजार बनाते हुए और कुछ नाचते हुए, तो यही विजुअल था उसमें। आगे करिए, स्क्रॉल करिए। फिर ये जो कोरस आता है इसके साथ नाचते हुए दो आदि मानवों का क्लोजअप। उसके बाद फिर स्वर आते हैं, स्वर के साथ विजुअल आते हैं। तो अगर आप ये स्क्रिप्ट पढ़ें और वो जो प्रोग्राम है, जो कि हम सब रिसोर्सेज अपलोड कर देंगे पेज पे,
देखें तो ये सभी चीजें उसमें इसी तरह से दिखाई गई हैं जिस तरीके से कि स्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं। तो इसीलिए अगर हम एक स्क्रिप्ट को वेल क्राफ्टेड स्क्रिप्ट हम लिखेंगे तो जो आउटपुट होगा जो कि प्रोग्राम है वो भी बिल्कुल उसके साथ इन सिंक होगा। इसके बाद इसका एक और फाइल है वो भी ओपन करके देखें जहां से कि इसके ऑब्जेक्टिव किस प्रोग्राम से हम किस तरीके की लर्निंग की तरफ ले जा सकता है इसमें। तो जब हम अर्लीस्ट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस की बात करते हैं तो दी डिस्कवरी ऑफ फायर इज वन ऑफ दी अर्लीस्ट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। सो देयर वर थ्री मेजर अर्लीस्ट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। वन इज दी डिस्कवरी ऑफ फायर, दी सेकेंड वन इज दी स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड थर्ड वन इज इन्वेंशन ऑफ व्हील। तो हम देखेंगे दीज थ्री डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस हैव चेंज्ड द पेस ऑफ सिविलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, और इसीलिए इनको बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन माना जाता है। लेकिन हमें पता नहीं, वी डोंट नो हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ व्हील, हु वॉज द डिस्कवरर ऑफ फायर एंड हु स्टार्टेड एग्रीकल्चर, what was that, who was that person? तो लेकिन इनसे कितने बड़े changes आए human civilization के development में। तो इस तरीके के चीजों की तरफ इस तरह का content हम दिखा के छात्रों को ले जा सकते हैं। इसका English वाला version दिखा दीजिए, इसी में scroll करोगे तो English और हिंदी दोनों। Okay, ma'am. इसी में ही है। तो इसके ऑब्जेक्टिव हमने क्या रखे हैं, टू जेनरेट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, टू मेक चिल्ड्रन अवेयर अबाउट वन ऑफ द अर्लीस्ट डिस्कवरीज, टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ डिस्कवरी ऑफ फायर इंपैक्टेड ह्यूमन लाइफ, टू मेक चिल्ड्रन अवेयर हाउ डिस्कवरी ऑफ फायर कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो ये प्रोग्राम के बाद जो पोस्ट वॉचिंग हम डिस्कशन करेंगे उससे इन पॉइंट्स को और हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। नेक्स्ट दी इन्वेंशन ऑफ व्हील हम देखते हैं। अगला एक और एनिमेशन है, ये स्टॉप मोशन एनिमेशन है, जो फॉर्म ऑफ एनिमेशन है इट इज स्टॉप मोशन एनिमेशन, और इसकी वो भी आप लोग आगे आने वाले दिनों में सीखेंगे कि कैसे स्टॉप मोशन एनिमेशन हम खुद बना सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। अभी आया नहीं है प्राची, अब देख रहा है, बस प्ले कर दीजिए। देखो उसे कुछ उसने सोचा, सिर्फ
थकता, मैं तो इसको ढो थकता, पर यह तो खुद भी चल सकता। गोल 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 गोल। पल में काम मेरा हो जाए, मेहनत भी मेरी बच जाए। हाँ गोल 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 गोल। धुरी से दो को बांधा, एक धुरी से दो को बांधा, धीरे धीरे किया सुधार। हाँ यूं हो गया पहिया तैयार, यूं हो गया पहिया तैयार, यूं हो गया पहिया तैयार। गोल 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 पहिया। अब हम स्क्रिप्ट, लेट अस मूव ऑन टू इट्स स्क्रिप्ट एंड देन द स्टोरी बोर्ड। तो हम इसका स्क्रिप्ट देखेंगे, तो या यू विल कम टू नो हाउ द स्क्रिप्ट इज totally in sync with what is shown in the video. Prachi, Dr. Yes, Prachi, ma'am. Yes, sharing the script. Thank you for appreciating a lot. Yes, of ma'am. Participants are appreciating this program. Thank you very much. Iska script aap dekh sakte hain. जो इसमें भी देखें तो एक कॉलम में ऑडियो वीडियो है और दूसरे कॉलम में विजुअल है। तो सबसे पहले लिखा है पृष्ठभूमि में बजता गति का प्रतीकात्मक वातावरण दर्शाता संगीत, क्योंकि जब हम पहिए की बात कर रहे हैं तो दिस म्यूजिक शुड बी सिंबॉलिक टू स्पीड। एंड एज यू कुड सी फ्रॉम द प्रोग्राम, जस्ट लिसन टू द म्यूजिक, सो इट वॉज द म्यूजिक वॉज सिंबॉलिक टू स्पीड। And what visuals were coming out, बांसुरी से फ्लोट होते हुए संगीत के नोट्स। तो पहला विजुअल यही है, बांसुरी से संगीत के जो नोट्स हैं वो फ्लोट हो रहे हैं, और उसके साथ ही पर्दे पर शीर्षक आता है पहिए का आविष्कार। उसके बाद हम देखेंगे, हमने हवाई जहाज के पहिए का क्लोजअप, फिर उड़ता हुआ हवाई जहाज, फिर कार के पहिए का क्लोजअप, उसके बाद सड़क पर दौड़ती हुई कार, स्केट्स पर दौड़ता हुआ बच्चा। जहां जहां पहिया आता है या गोल आकृति आती है वो सारे विजुअल्स म्यूजिक के साथ पहले आते हैं टू एस्टैब्लिश द आइडिया ऑफ डिस्कवरी ऑफ व्हील। उसके बाद स्क्रॉल करिए प्राची। इसके बाद ये गाना शुरू होता है, एक दिन मानव ने ढलान पर देखा एक लुढ़कता लट्ठा। तो यहाँ पर दी प्री हिस्टोरिक पीरियड का एनवायरमेंट आई वांटेड टू डिपिक्ट, प्रागैतिहासिक काल का वातावरण, वहीं ढलान पर लुढ़कता हुआ एक लट्ठा और उसे गौर से देखता प्रागैतिहासिक मानव। उसके बाद गोल 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 जो कोरस आता है उसके साथ तरह तरह की गोल आकृतियां आती हैं, क्योंकि गोल से ही पहिए का आइडिया आया, गोल आकृतियों से ही। फिर गाने के बोल हैं, गोल गोल लुढ़का ढलान पर पहुंचा नीचे फैले मैदान पर। तो वहां
प्रागैतिहासिक काल का वातावरण ही है। ढलान पर लुढ़कता एक लट्ठा नीचे फैले मैदान पर लुढ़कता हुआ आता है, एक पेड़ से टकराकर वापस कुछ दूर लुढ़कता है। पेड़ से टकराकर उसकी गति धीमी होती हुई और वह रुक जाता है। तो इस तरह से देखेंगे जो जो डिपिक्शन हमें चाहिए वो सारा स्क्रॉल कर दीजिए, इसको स्क्रिप्ट में मेंशन्ड है, क्योंकि जो एनिमेटर है ये एक प्रोफेशनल एनिमेटर ने बनाया है एनिमेशन इसके, वो ये प्रोसेस नहीं जानता कि उसको प्रागैतिहासिक काल में दिखाना है तो क्या दिखाना है। कभी कभी वो अपना इनोवेशन करने के लिए he used to make such things which were not existed that time, जैसे उसने एक पुली दिखा दिया लेकिन उस समय पुली नहीं था तो वो हटवाना पड़ा हमें। तो इस तरीके से अगर हम क्लैरिटी के साथ लिखेंगे तो वही वहां पर डिपिक्ट होगा जो दिखेगा। तो ठीक है, और स्क्रॉल करिए एक बार, बस स्क्रॉल कर दीजिए। आई थिंक जो पहले दो हमने रोज में पढ़ लिया उससे आइडिया पता चल गया है, और ये स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड हम आपसे शेयर कर लेंगे ताकि जब आप आगे अपने अपने जगह स्क्रिप्ट लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे लिखना है। सो वी विल शेयर देम एज एग्जाम्पलर स्क्रिप्ट्स। इसके बाद इसका स्टोरी बोर्ड हम देखते हैं। और मैंने आपको 7-8 स्टेप्स बताए थे, जस्ट मैम आप म्यूट हो गए हैं। जस्ट अ मोमेंट, आई एम कमिंग बैक, माय बेल डोर बेल रैंग, आई एम अलोन एट होम सो आई हैव टू सी। तब तक स्टोरी बोर्ड आप डिपिक्ट कर दीजिए। हाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो विजुअल है स्टोरी बोर्ड में, तो जो हमने प्रोग्राम में देखा, ये एक बांसुरी है, बांसुरी से फ्लोट होते हुए म्यूजिक के नोट्स। इसके बाद हवाई जहाज के पहिए का क्लोजअप, हवाई जहाज उड़ता हुआ, कार के पहिए का क्लोजअप, कार चलती हुई, बाइकर जाता हुआ, चरखा, उसके बाद एक ढलान से पहिया लुढ़कता है और अर्ली ह्यूमन उसको देख रहा है। उसके बाद अर्ली ह्यूमन जो है उसके आंखों का क्लोजअप जो कि गौर से देख रहा है और सोच रहा है। अगले पे जाएं। उसके बाद फिर ये आकृतियां आती हैं, पहिया लुढ़कता हुआ जा रहा है, पेड़ से टकरा के वापस आता है। इसके बाद फिर ये गोल गोल के साथ ये सारे विजुअल्स आते हैं। इसके बाद अर्ली ह्यूमन के आंखों का क्लोजअप और वो सिर खुजलाकर विचार कर रहा है कि मैं तो इसको ढोता हूं लेकिन ये तो खुद भी चल सकता है। तो आप देखेंगे इसी स्टोरी बोर्ड से उसको पता चलेगा एनिमेटर को कि किस तरीके से उसको शॉट बाय शॉट सीक्वेंसिंग करनी है आइडियाज की। लास्ट में जो चरखा आ रहा है, लेकिन इसके बाद एक और विजुअल आया है जिसमें कि एक बच्चा पहिए से खेलता हुआ आता है। जैसे हमने देखा होगा रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में भी बच्चे पहिए से खेलते हैं। तो ये जब हमने एक बार प्रोग्राम बनने के बाद, स्टोरी बोर्ड बनने के बाद अपने ग्रुप में शेयर किया, हम कहते हैं ना फीडबैक के लिए भी शेयर करना एक स्टेप है व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। तो हमारी टीम से ये आइडिया आया कि लास्ट में इस पर एंड होना चाहिए ताकि हमने बहुत सारे अर्बन एग्जाम्पल्स तो दिखाए लेकिन एक हम रूरल एग्जाम्पल भी ऐसा पहिए का दिखाएं। तो उसी से इस प्रोग्राम की समाप्ति की गई जहां एक बच्चा पहिए को रोल करता हुआ आता है। तो ये स्टोरी बोर्ड है, स्टोरी बोर्ड में लेकिन वो नहीं है, बट लेटर ऑन इट वॉज एडेड इन द प्रोग्राम। प्राची अब हम नेक्स्ट पे चले। अब एक मैं आपको प्रोग्राम ब्रीफ का एग्जाम्पल दिखाती हूँ और उस प्रोग्राम ब्रीफ पर बेस्ड एक ऑडियो हम सुनेंगे।
प्रोग्राम ब्रीफ दिखा दीजिए प्राची। ये है नक्शे के बारे में, क्योंकि जो नक्शा है, मानचित्र है, मैप है, ये एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। हम एक कागज पर कुछ लकीरें होती हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से कि वो मान लें कि ये एक ज्योग्राफिकल एरिया का नक्शा है, जैसे कि भारत के नक्शे की ही अगर हम बात करें या कोई और नक्शों की हम बात करें। तो नक्शे से पहले हमें एब्स्ट्रैक्शन करना आना भी बहुत जरूरी होता है, सिखाना बच्चे को जरूरी होता है कि कॉन्क्रीट को हम एब्स्ट्रैक्ट में कैसे देखते हैं। हालांकि इसमें वो चीज तो नहीं है ये जो आप इस पर एक ऑडियो सुनेंगे, लेकिन कुछ और हमारे HYP कंटेंट है जिसमें ये एब्स्ट्रैक्शन करना सिखाया गया है। यहाँ पर बस एक रुचि जागृत करना मानचित्रों के प्रति, ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। तो प्रोग्राम ब्रीफ में हम देखेंगे शीर्षक नक्शे में संसार, इसकी सब टाइटल कोई नहीं है, ये सीरीज भी नहीं है, अपने आप में इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो इसमें जो थीम कवर की गई है, मैपिंग माई नेबरहुड, कॉन्टेक्ट विद दिस डिस्टेंट लैंड्स, मैप्स, असेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स, वेयर, वेन, हाउ, कब, कहाँ, कैसे, ये चीज हम इतिहास में और नक्शों के माध्यम से जानते हैं। तो ये इसके इसमें थीम है जो पिरोई गई है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, भाषा हिंदी है, ड्यूरेशन 4-5 मिनट अप्रोक्सीमेट, क्लासेस प्राइमरी, अपर प्राइमरी, लेकिन ये सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी या किसी के लिए भी रेलेवेंट है। टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, सॉन्ग एंड रेसिटेशन, इसमें सॉन्ग भी है और उस रेसिटेशन भी है जो रिसाइट केवल कर रहे हैं। जो प्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स की जो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ आप देखेंगे 13 वाला जो सीरीज है उसमें डिफरेंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स दिए गए हैं। डिस्कशन एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट होता है जहां हम डिस्कस कर रहे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, इंटरव्यू, ड्रामा, रोल प्ले, डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूड्रामा, फीचर, लेक्चर, वॉक्स पॉपुली, ये सब आपको एक और हमारा सेशन होगा जिसमें इन सब को डिटेल में आपको बताया जाएगा कि वॉक्स पॉपुली क्या है, फीचर क्या है, डॉक्यूड्रामा क्या है, स्टोरी टेलिंग, कल्चरल एक्टिविटीज, डांस, सिंगिंग, रेसिटेशन, मॉडल रीडिंग, न्यू मीडिया, मल्टीमीडिया, इंटरएक्टिव कंटेंट। तो यहाँ है रेसिटेशन, सिंगिंग एंड रेसिटेशन दोनों ही होंगे यहाँ पर। और जो ऑब्जेक्टिव है, आफ्टर लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, ये मानचित्र के बारे में एक गाना है जो अभी आप थोड़ी देर में सुनेंगे। आफ्टर लिसनिंग टू दिस सॉन्ग रेसिटेशन, द टारगेट ऑडियंस विल बी एबल टू एक्सप्लेन how maps reflect the world we live in, recognize the uses of map in geography and history, trigger special thinking to understand uses of map, comprehend the phenomena related to time and space. Aur isme content coverage kya hai, ye hai, the script covers the idea of uses of map in geography and history to understand the world in time and space. फिर प्रोडक्शन टिप्स इसमें हमें देने होते हैं प्रोग्राम ब्रीफ में, रेसिटेशन इन मेल वॉइस विद अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन एंड साउंड इफेक्ट्स। क्या नाम स्कूल का होता है अपने स्टेट का, अभी ये खुद का एक अलग ही ना, म्यूट कर दीजिए कहां से आवाज आ रही है बैकग्राउंड नॉइसेस को। डन मैम, सॉन्ग विद अप्रोप्रिएट म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स फॉर क्रिएटिंग एंड एम्बियंस ऑफ टाइम स्पेस एंड इवेंट्स mentioned in the script. तो यहाँ हम जब ऑडियो प्रोग्राम की बात करते हैं, ये ऑडियो प्रोग्राम है, पहले आपने वीडियो देखा, जो एनिमेशन का आउटपुट वीडियो ही था। जब हम ऑडियो की बात करते हैं तो यहाँ हम कानों के लिए लिख रहे हैं, ना कि आंखों के लिए, और यहाँ कान ही हमारी आंखों का काम करते हैं कि हमें प्रोग्राम में जो साउंड इफेक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो एम्बियंस बिल्ड करे, म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट, ताकि कानों के माध्यम से ही हम विजुअलाइज कर सकें। तो इसीलिए ऑडियो लिखना, स्क्रिप्ट लिखना और भी ज्यादा चैलेंजिंग है, बिकॉज वी आर राइटिंग फॉर द ईयर्स। तो इसका रेसिटेशन अभी हम देख लें तो हमें पता चलेगा कि कैसे ये कंटेंट ब्रीफ के ऊपर हमने प्रोग्राम बनाया है, ऑडियो प्रोग्राम बनाया है।
यस प्राची प्राची आर यू ये प्लेइंग दी सॉन्ग रेसिपी यस मैम यस मैम यस मैम आई एम डूइंग ओके मानचित्र में दुनिया साउंड आ रहा है ना मैम हाँ हाँ आ रहा है आ रहा है ठीक नक्शे हमें घुमाते हैं नक्शे हमें घुमाते हैं हल्का सा और तेज कर सकते हैं पठार मैदान समुद्र और खाड़ी तक ले जा मैम मैंने फुल कर दिया है ठीक है आते हैं जग की सैर कराते हैं जग की सैर कराते हैं नक्शे हमें घुमाते हैं नक्शे हमें घुमाते हैं किस पर्वत से नदी निकलकर किस सागर से मिलती है रेगिस्तानी रेत कहां पर मृग तृष्णा से चलती है कहां पड़ती है शीत बड़ी और कहां घनेरे जंगल हैं कहां समुद्र है शांत संत सा कहां पे लहरें चंचल हैं कहां चलती हैं गर्म हवाएं कहां पे पल पल रिमझिम है कहां वो सपनीले टापू हैं कहां पे गहरी झीलें हैं नक्शे हमें घुमाते हैं नक्शे हमें घुमाते हैं पुरु चला था किस धरती पर समुद्रगुप्त ने क्या जीता था कहां क्रांतियां हुई विश्व में कहां वीरों का खून गिरा था कहां वीरों का खून गिरा था नक्शे ही दिखलाते हैं घर बैठे ही कहां कहां की बातें हमें बताते हैं क्या क्या नहीं सिखाते हैं क्या क्या नहीं सिखाते हैं नक्शे हमें घुमाते हैं नक्शे हमें घुमाते हैं मानचित्र में दुनिया तो ये ऑडियो था कुछ लोग लिख रहे थे कि वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है तो इट वाज एन ऑडियो एग्जांपल ऑफ एन ऑडियो प्रोग्राम दो वी कैन आल्सो डेवलप
develop a video based on this audio, which we will also do, but we will keep it as an audio also. तो इसमें आपने देखा होगा साउंड इफेक्ट और म्यूजिक से एक ऐसा एम्बियंस बिल्ड किया गया है जिससे कि हमें ये पता चले कि कैसे इतिहास और भूगोल जैसे विषयों में नक्शों की क्या अहमियत होती है. ये दोनों विषयों में ही क्या अहमियत है, क्योंकि नक्शों से ही हमें इतिहास में टाइम और स्पेस में इतिहास का पता चलता है और बहुत सारे जो भौगोलिक कॉन्सेप्ट हैं उनको भी हम नक्शों के माध्यम से जानते और समझते हैं. तो ये एक तरीका है इंटरेस्ट जेनरेट करने का छात्रों के बीच की, किस तरीके से हम एक इंटरेस्ट जेनरेट कर सकते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स में जो बच्चों को अदरवाइज बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं. और मैप एक ऐसा ही विषय है, मैप की लर्निंग. तो लेकिन उसकी अहमियत ऐसे प्रोग्राम से हमें पता चलती है कि मैप की अहमियत क्या है, मैप को देखने जानने समझने की. इसके बाद एक हम इंटरैक्टिव कंटेंट देख सकते हैं जो ये क्लासिफिकेशन वाला, और फिर उसका हम स्टोरी बोर्ड देखेंगे, स्क्रिप्ट एंड स्टोरी बोर्ड. तो हर प्रकार का जो विविधता है कंटेंट में, वैसी ही विविधता होती है हमारे स्क्रिप्ट लिखने में. ये जैसे एक मैंने सुबह H5P के बारे में आपको बताया था, H5P के बारे में बताया था. तो ये H5P से ही निर्मित, H5P सॉफ्टवेयर से निर्मित एक कंटेंट है. तो यहाँ हम देखें तो चार अलग अलग कलर की बास्केट्स और चार अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स हैं, और हमें क्लासिफाई करना है फ्रूट्स को उसी कलर की बास्केट्स में. तो इसको प्ले कर दीजिए. अभी इसमें भी ऑडियो नहीं आ रहा है, लेकिन ऑडियो है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए. वो अभी दोबारा मत प्ले करिए इसको. ओके मैम. अब हम इसका स्टोरी बोर्ड देखते हैं. Observe the fruit. इसके लिए हमें स्क्रिप्ट कम स्टोरी बोर्ड, जिसमें स्क्रिप्ट भी है एंड स्टोरी बोर्ड भी है, दोनों ही चीजें हैं. तो वी विल सी दैट. किसी ने लिखा इट्स नाइस, मिस्टर ऋषिकेश, इट्स नाइस बट इट लुक्स लाइक एक्सपेंसिव टू. तो हम किसके बारे में ये बात कर रहे हैं, वॉट लुक्स लाइक एक्सपेंसिव. सो आफ्टर आफ्टर आई एम जस्ट अबाउट टू कम्प्लीट इट, सो मे बी आफ्टर दैट वी कैन एड्रेस दिस क्वेरी फ्रॉम ऋषिकेश. ये रिएक्शन, आई कैन आंसर टू द रिएक्शन. तो यहाँ हम देखेंगे, स्क्रॉल करिए. ये कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन है इसका, फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, चाइल्ड हैज टू क्लासिफाई द फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर और शेप, कुछ भी हो सकता है. और क्लासिफिकेशन बहुत सारे आधार पर हो सकता है, बट यहाँ हम कलर के बेसिस पे कर रहे हैं. लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने इनिशियली इन्विसाइज किया है इसको बनाना. सब्जेक्ट है मैथ्स, लेवल है क्लास वन, ऑडियंस सभी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं. Then educational use to develop the understanding of classification on the basis of color. इसमें interactive, ये interactive content है. एक interactive और दो categories होती हैं, एक expositive. तो ये interactive है. इसका source है self-generated, यानी CIT ने generate किया. ये it can be written CIT here. इसके बाद हम देखें तो इसका storyboard जो है, ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन. ये क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर ने स्टोरी बोर्ड बनाया है, अदरवाइज आप इसको सिंपल स्केच भी कर सकते हैं, जो बाद में ग्राफिक डिजाइनर उसको और फाइन बना सकते हैं.
और जब स्टोरी बोर्ड बनाया था तो बास्केट सारी एक ही कलर की रखी गई थी. लेटर ऑन टू सिंप्लीफाई इट ये डिसाइड किया गया कि बास्केट भी चार कलर्स की ही हम बना सकते हैं. इसके बाद आगे देखें, यहाँ भी जो H5P के एक्सपर्ट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि मैथ्स की पेडागोजी के एक्सपर्ट हों. तो इसीलिए यूजर के लिए इंस्ट्रक्शन और डेवलपर के लिए इंस्ट्रक्शन लिखना भी जरूरी है. क्लास का बच्चा जरूरी नहीं है कि वो सारा टेक्स्ट जो हम इसके ऑब्जेक्टिव और इसको कैसे प्ले करें पढ़ पाए, तो इसके लिए इसके साथ ऑडियो भी एम्बेडेड है, इंस्ट्रक्शन ऑडियो में भी है. ऑब्जर्व द फ्रूट जो ऑडियो आएगा, ऑडियो इंस्ट्रक्शन यूजर के लिए, ऑब्जर्व द फ्रूट कैन बी पुट देम इन फोर बास्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर. लेट अस ट्राई एंड पुट देम इनटू फोर ग्रुप्स, ड्रैग फ्रूट्स टू द बास्केट टू फॉर्म द फोर ग्रुप्स. ये ऑडियो इंस्ट्रक्शन है ताकि बच्चा ऑडियो से समझ सके. इसके बाद है इंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपर. इफ द यूजर ड्रैग्स फ्रूट ऑफ वन, ये हट गया यहाँ से प्राची, हेलो डॉक्टर प्राची, अनशेयर हो गया वो. उधर प्राची के एंड पे लाइट चली गई है, आ गई है, तो शी इज अगेन री शेयरिंग इट, जस्ट बियर विद अस. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस लेवल के लिए कौन सा इंटरएक्टिव कंटेंट बना रहे हैं और कहां इंस्ट्रक्शंस का ऑडियो में आना भी जरूरी है. अदरवाइज ऑल्सो ऑडियो में अगर हम दें तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं अगर वो किसी की मदद से कोई काम करते हैं किसी और फॉर्म ऑफ ई कंटेंट में, तो उससे क्या होता है कि वो सुन के इंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं एंड दे कैन बी बेनिफिटेड बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ई कंटेंट. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. और दूसरा डेवलपर के लिए इंस्ट्रक्शन देना, अगर आप खुद ही H5P लर्न कर लेते हैं, मास्टर कर लेते हैं, जो कि मुश्किल नहीं है, तो आप खुद आपको पता है. नहीं तो अगर कोई और बना रहा है, यू हैव अ सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा कि उनके लिए इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि हाउ यू वांट द कंटेंट टू कम आउट. यस मैम, आई हैव जॉइंड. हाँ ठीक है, उसको फिर से शेयर कर लो स्टोरी बोर्ड को. यस मैम. इसके बाद और भी कुछ हमारे पास दिखाने के लिए जो मैंने आपसे शेयर किया है, और दिस इज द लास्ट पीस, वो हम देख लेंगे अभी. तो ये इंस्ट्रक्शंस हो गए, कुछ और है इसमें बाद में. आई थिंक दैट वाज इट. यस मैम. और दिस एंड देयर आर अ लॉट ऑफ स्टोरी बोर्ड्स, एक बार आप स्क्रॉल करके एक दो और दिखा दीजिए जिन पर बेस्ड और कॉन्टेंट डेवलप हुए हैं. अब हम एक वीडियो लेक्चर की स्क्रिप्ट और देख लेते हैं, क्योंकि जब आप कोर्सेज बनाते हैं निष्ठा के लिए या किसी अपने नीड बेस्ड कोर्सेज भी बनाते हैं, तो उसके लिए वीडियो लेक्चर की हमें जरूरत होती है. तो एक वीडियो लेक्चर की स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, लेट अस वॉच स्क्रिप्ट ऑफ अ वीडियो लेक्चर ऑल्सो, एंड दैट विल बी द लास्ट फ्रॉम माई साइड. तो ये है अंडरस्टैंडिंग दी थीम, क्योंकि ईवीएस में आपने देखा होगा प्राइमरी में ट्रैवल एंड पेडागोजिकल अप्रोचेस टू ट्रांजेक्ट दी थीम. तो यहाँ भी ये दो कॉलम की है, एक में ऑडियो यानी कि जो भी नरेशन होगा नरेशन, और दूसरे साइड में
उस नरेशन के साथ विजुअल क्या आएगा वो दिया हुआ है। तो शुरू में जैसे हम शुरुआत करते हैं, हेलो व्यूअर्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ थीम ट्रेवल इन एलिमेंट्री ईवीएस करिकुलम एंड द सजेस्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेस टू ट्रांजेक्ट द थीम। तो जब ये वाला नरेशन चलेगा तो ऑन स्क्रीन प्रेजेंटर रहेगा, तो हमें ये लिखना भी जरूरी है कि प्रेजेंटर कहाँ कहाँ रहेगा, कहाँ कहाँ बुलेट पॉइंट्स में टेक्स्ट आएगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो ऑन स्क्रीन कैप्शंस, ये बुलेट पॉइंट्स आएंगे, वो हमने यहाँ पर, क्योंकि वो नरेशन में भी जा रहे हैं और ऑन स्क्रीन भी आ रहे हैं, तो ये दोनों कॉलम्स में इसके लिखे हुए हैं कि प्रेजेंटर उसको नरेट भी कर रहा है, बट ऑन स्क्रीन अभी प्रेजेंटर नहीं आ रहा है, लेकिन ये कैप्शंस या बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे, फिर प्रेजेंटर आता है। इसमें प्रेजेंटर की वीडियो लेक्चर में अगर हम प्रेजेंस कम रखें और इसको विजुअल एलिमेंट से एनरिच करें तो इस इंटरेस्ट सस्टेन रखा जा सकता है। और स्क्रॉल कर दीजिए। यहाँ पर एक माइंड मैप का हम दिखाना चाह रहे हैं, तो वो माइंड मैप दिखा हुआ है कि यहाँ पर माइंड मैप होगा। अगर हम ये सारी चीजों के साथ रिकॉर्डिंग करते हैं विजुअल कॉलम के साथ, तो जब एडिटिंग टेबल पे कोई प्रोग्राम जाता है तो एडिटिंग करने में कम समय लगता है, क्योंकि एडिटर को पता है कहाँ पर उसे क्या इंसर्ट करना है, एंड वी हैव टू शेयर ऑल दोज रिसोर्सेस विद द एडिटर। हाँ, और स्क्रॉल करें। हम यहाँ स्टॉप कर सकते हैं, अभी थोड़ा 5-7 मिनट है जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चंस ले सकें। ताकि क्वेश्चंस कौन बता रहा है मुझे? जी, थैंक यू मैम। आई विल रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु हैव द क्वेश्चंस कैन रेज द वर्चुअल हैंड और कैन पोस्ट इन द चैट बॉक्स। Any questions from the participants regarding script, storyboard? हाँ, किसी ने मिस्टर ऋषिकेश ने ये लिखा था, इट्स नाइस अबाउट ऑडियो एंड वीडियो बट इट लुक्स लाइक एक्सपेंसिव टू, क्योंकि हमारे यहाँ सीआईटी में, सीआईटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये हमारा इन हाउस डेवलपमेंट ही है, जो नक्शे में संसार वाला जो ऑडियो था, और जो हमारे ऑडियो प्रोड्यूसर हैं इसके, उनसे भी आपकी बातचीत इंटरेक्शन होगा, उससे आप इस संबंध में बहुत सवाल पूछ सकते हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमें इसमें बहुत ज्यादा इतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। अगर हम आर्टिस्ट हायर कर रहे हैं, म्यूजिशियन हायर कर रहे हैं, तो उनको हमें पेमेंट करना पड़ता है। अदरवाइज जो साउंड इफेक्ट है वो हमारे इन हाउस जो प्रोड्यूसर्स हैं, ऑडियो प्रोड्यूसर्स, वो ही, उनके पास पूरा एक बैंक है साउंड इफेक्ट का, कलेक्शन है, उसमें से ही वो साउंड इफेक्ट्स लेकर आते हैं। और जो पहिए वाला आपने कविता सुनी थी और आग की खोज, उसमें तो म्यूजिक पत्थरों से भी निकाला गया है, तो स्टोन्स, तो उस तरह से इनोवेट किया गया कि स्टोन यूज किए गए हैं और इस तरीके की एनवायरनमेंट में जो साउंड होते हैं वो यूज किए गए हैं टू क्रिएट पीस ऑफ म्यूजिक और टू इनहेंस पीस ऑफ म्यूजिक। एंड यस, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज तो हमें चाहिए ही होती है। अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो अगर हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो टीचर्स, हाँ, दे कैन कम अप विद द स्क्रिप्ट, और जहां भी उनके सराउंडिंग में, वेसिनिटी में ऐसे स्टूडियो हैं जिनको वो यूज कर सकते हैं, तो इन स्टूडियो को यूज करके वी कैन कम अप विद द प्रोग्राम। इज देयर एनी फ्रीवेयर टू डेवलप दिस टाइप ऑफ एनिमेशन? इफ यस, प्लीज प्रोवाइड द नेम ऑफ द फ्रीवेयर। बिल्कुल, आपका डेमो भी होगा इस पे। I think I'll give the information regarding this now. आपके शेड्यूल में होगा, स्टॉप मोशन एनिमेशन होगा और एक डिफरेंट एनिमेशन फॉर्मेट पे पूरा सेशन है ना मोनिका?
जी 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 और एक आपको मोबाइल बेस्ड टूल हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आप छोटे छोटे एनिमेशन बना सकते हैं, स्टॉप मोशन एनिमेशन ऑलरेडी रिटन इन दी शेड्यूल विच इज शेयर्ड विद यू. आप एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिए शेड्यूल को भी. सो क्या क्या है उसके अंदर. देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द शेड्यूल ऑल्सो. एनिमेशन वॉज एक्चुअली प्लान्ड फॉर थर्सडे विच इज नाउ हैपनिंग टुमारो ओनली. तो आप से ज्यादा दूर नहीं है वो वाला सेशन. तो कल के लिए आपको कल ही आपको मिल जाएगा. कल के लिए आप ये ऐप जो है स्टॉप मोशन एनिमेशन इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में. इंस्टॉल कर ले. इट इज एन ऐप यू कैन डाउनलोड इन योर फोन एंड टुमारो वी कैन वर्क ऑन दिस. एनी अदर